मुंगावली में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का दर्द मंत्रियों की जुबान पर आ गया। कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। मौका था पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण का, जहां सिंधिया समर्थक मंत्रियों की जुबान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का दर्द मंच के सामने आ गया। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुंगावली नगर परिषद के सामने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद जब मंत्री जनता को संबोधित कर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का मामला उनके जहन में था। मंत्रियों ने कहा, सिंधिया की पहचान कोई आम नहीं है, यह तो उनके पूर्वजों के द्वारा दी गई पहचान है। इन मंत्रियों ने कहा, चुनाव तो बड़े बड़े नेता भी हार जाते हैं। सम्मान की कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आप पर हुई, हम पर हुई या किन पर हुई है, गलती हुई। मैं इसलिए कहता हूं आज वो कहने का समय नहीं है, लेकिन ये बात अपनों के बीच ही कही जाती है, इसलिए मुझे आज ये बात कहना पड़ी। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा नगर पालिका के लिए, पूरे पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष के लिए, कि जिन्होंने महाराज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की इस सुंदर मूर्ति का अनावरण जो आज यहाँ हो रहा है। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा सांसद केपी यादव पर निशाना साधा और कहा, हारना नैतिकता पर दाग नहीं होता, मगर जो गुलाम जीत कराते हैं और जनता को ठगते हैं, उनका कद उस महाराज के सामने इतना सा भी नहीं होता जो बात करते हैं। इंदिरा जी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी जी भी चुनाव हारे, मगर हारना नैतिकता पे दाग नहीं होता, मगर जो गुलाम जीत के आते हैं और जनता को ठगते हैं, उनका कद उस महाराज के सामने इतना सा भी नहीं होता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।